इंटर में एडमिशन के लिए जितने भी छात्र ऑनलाइन किए थे उन सभी स्टूडेंट का आज से 4 अगस्त से स्टार्ट होना था नामांकन की प्रोसेस। लेकिन फिर से आप लोग को इंटर में एडमिशन की प्रक्रिया साइंस और कॉमर्स तीनों फैकल्टी के बच्चे के लिए बढ़ोतरी किया गया है। तो आखिर आप लोग को बढ़ोतरी किया गया है तो किस दिन से आप लोग को किस दिन तक इंटर में एडमिशन चलेगा, डॉक्यूमेंट क्या लगेगा और साथ ही साथ आप लोग को मेरिट लिस्ट के बाद क्या क्या प्रोसेस करना होगा जिससे इंटर में एडमिशन लेने में आप लोग को सहूलियत होगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जो भी स्टूडेंट इंटर में एडमिशन लेना चाहते हैं इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर जो भी पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को प्रेस कर लीजिए क्योंकि बिहार बोर्ड से हर छोटी बड़ी न्यूज इस चैनल पर देखने को मिलता है। यहां पर आप लोगों को बताया कि ऑनलाइन पूरी होगी प्रक्रिया। हर स्कूल में 4 काउंटर यानी इंटर में एडमिशन के लिए जितने भी स्टूडेंट ऑनलाइन किए थे उन सभी स्टूडेंट के ऑनलाइन इंटर में एडमिशन लिया जाएगा। उसके लिए हर स्कूल में 4 काउंटर बनाया जाएगा और फर्स्ट मेरिट लिस्ट आप लोग को आएगा वो इंटर में नामांकन के लिए प्रथम सूची 7 अगस्त को जारी किया जाएगा। यानी सभी स्टूडेंट को फिर से आप लोग को 3 दिन डेट में बढ़ोतरी किया गया है। पहले आप लोग को 4 अगस्त को आज का डेट में आप लोग को इंटर का फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी करना था लेकिन आप लोग को फिर से यहां पर आप लोग को बढ़ोतरी किया गया है। तो आखिर इसका बढ़ोतरी किस दिन तक चलेगा और क्या क्या प्रोसेस करना होगा जिससे इंटर में एडमिशन मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोग को बताया गया है कि बिहार बोर्ड द्वारा इंटर में नामांकन को लेकर चयन सूची 7 अगस्त को जारी किया जाएगा। पहले सूची 4 अगस्त को जारी करना था। बिहार बोर्ड ने अपरिहार्य कारण बताते हुए सूची जारी करने की नई तिथि निर्धारित की गई है। यानी आप लोग को पिछले वीडियो में बताया था कि जो भी स्टूडेंट इंटर में एडमिशन लेना चाहता है, बहुत सारे बिहार में ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कोरोना वायरस की महामारी के साथ साथ आप लोग को बाढ़ से पीड़ित है, उस क्षेत्र में इंटर में एडमिशन लेने के लिए सभी स्टूडेंट को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसी में सभी स्टूडेंट ने बोर्ड से रिक्वेस्ट की थी, अप्लीकेशन दिया था जिसका अप्लीकेशन एक्सेप्ट किया गया और यहाँ पर डेट में नई तिथि निर्धारित किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर आप लोग को बताया गया है कि जो भी स्टूडेंट इंटर में एडमिशन के लिए सूची में नाम आता है तो उन स्टूडेंट के बताया गया कि चयन सूची में जिन छात्रों को कॉलेज का नाम आवंटित होगा उन छात्रों को उसी कॉलेज में नामांकन लेना होगा। प्रथम सूची में चयन 7 से 12 अगस्त तक आप लोग को अनिवार्य रूप से एडमिशन ले लेना है। यानी जितना भी स्टूडेंट अगर जिन छात्र को फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जहां पर आप लोग को जिस कॉलेज में एडमिशन के लिए आप लोग को लिस्ट में नाम आता है जिस कॉलेज का तो उस वहाँ पर आप लोग को एडमिशन ले लेना है। सभी स्टूडेंट का ये निर्देश दिया गया है और साथ ही साथ बताया गया है कि प्रथम सूची 7 अगस्त से आप लोग को 12 अगस्त तक आप लोग फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो जारी किया जाएगा उसमें आप लोग को 7 से 12 अगस्त तक इंटर में नामांकन की प्रोसेस स्टार्ट होगी। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट अगर फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता तो उनका फिर से अप्लीकेशन भरना होता है। उसके लिए ऑलरेडी मैं वीडियो बना दिया हूँ, वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ बताया गया है कि 12 अगस्त से नामांकन के अनिवार्य रूप से लेना होगा। ज्ञात है कि इंटर में नामांकन के लिए 3564 कॉलेज के लिए 17 लाख सीट आवंटित किया गया। इस बार शिक्षा संस्था में सीटों में बढ़ाई गई है यानी सीट में भी बढ़ोतरी किया गया है, सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा फायदा है। और साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट ऑफलाइन अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो उन सभी स्टूडेंट का ऑफलाइन इंटर में एडमिशन के लिए प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया है। तो देख सकते हैं बताया जा रहा है कि स्कूल में ऑफलाइन नामांकन के लिए लिया जा रहा है, नामांकन ऑफलाइन लिया जा रहा है। बाकी पुल गर्ल हाई स्कूल के प्रधानाचार्य मीना कुमारी ने बताया कि ऑफलाइन नामांकन होगा। 5 अगस्त से नामांकन की प्रक्रिया काउंटर तैयार कर लिया जाएगा और बीएनए कॉलेज के प्रधानाचार्य विजय लक्ष्मी ने बताया कि नामांकन 5 अगस्त से ऑफलाइन होगा। चयन सूची जारी होने के बाद छात्रों आकर नामांकन ले सकते हैं। यानी सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा फायदे की मंथ है। अगर जो भी स्टूडेंट इंटर में एडमिशन लेना चाह रहे हैं उनके सूची के अनुसार अगर लेना चाहते हैं तो 7 अगस्त से ले सकते हैं और साथ ही साथ ऑफलाइन अगर इंटर में एडमिशन लेना चाहते हैं जहां पर तो वहां पर आप लोग पता कर लीजिए, पहले इंटर में ऑफलाइन एडमिशन की प्रोसेस स्टार्ट हो गई है तो वहाँ पर जाकर आप ले सकते हैं। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट इंटर में एडमिशन लेना चाहते हैं उन सभी स्टूडेंट का मन में एक बहुत बड़ा सवाल रहता है कि आखिर इंटर में एडमिशन लेने के वक्त आप लोगों को कागजात क्या क्या जाएगी। तो कागजात की यहां पर आप लोगों को बात किया जाए तो मूल अंक पत्र यानी सभी स्टूडेंट का मार्कशीट लिया जाएगा और मूल एलपीसी जहां पर आप लोगों को एडमिशन है वहां को आप लोगों को एलपीसी दिया जाएगा यानी लिविंग कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप लोग को होता है तो एसएलसी आप लोग को वहां से मूल ले लेना है और साथ ही साथ आप लोग को मूल कैरेक्टर प्रमाण पत्र आप लोग को मूल कैरेक्टर प्रमाण और साथ ही साथ आप लोग को मूल अवैधिक प्रमाण पत्र आप लोग को दिया जाएगा। तो ये 4 डॉक्यूमेंट आप लोग को दिया जाएगा। आप लोग को मार्कशीट स्कूल और कॉलेज से मिलना स्टार्ट हो गया। जो भी स्टूडेंट अब तक नहीं लाए हैं तो उन सभी स्टूडेंट जाकर स्कूल कॉलेज में पता करिए आप लोग को आ गया है और वहाँ से आप लोग को मूल अंक पत्र के साथ साथ आप लोग को 3 डॉक्यूमेंट दिया जाएगा। वो तीनों डॉक्यूमेंट आप लोग को ले लेना है और इस तरह से जो 4 डॉक्यूमेंट दिया जाएगा पूरी तरह से आपको स्कूल जहाँ पर एडमिशन है वहाँ पर आप लोग को दे दिया जाएगा और इसका आप लोग को फोटोकॉपी लगा देना है और एक फोटो
आप लोग को लगेगा, और उसी साथ ही साथ आप लोग को जितना आप लोग को चार्जेस रखी गई है वहाँ पर आप लोग को लगेगा। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट अब तक इंटर में एडमिशन के लिए कैसे प्रोसेस करना है, क्या क्या होगा, उसके लिए ऑलरेडी मैं वीडियो बना दिया हूँ। जिनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता उसके लिए भी स्पेशलिस्ट वीडियो बना दिया हूँ, तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जान सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।